हेलो मेरी बहनों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुशहाल होंगे। और जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ वो आप देख करके चौंक जाओगे। तो मेरे घर में भी ये टॉवल पड़ी थी, तो इनको मैंने घर ही बना के एक बक्से के कोने में डाल दी थी। फिर मेरे दिमाग में आया तो मैं इसका कवर बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा चलते हैं इसका वीडियो ही बना लेती। तो ये टॉवल मेरी बेबी का था, ये पुराना हो चुका था, एकदम पतला है और इधर एक साइड से ये फट चुका है। तो इधर का जितना फटा है उतना हम इसे निकाल देते, इसके बाद हम सिलाई लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमें सुई धागे से सिलाई मार लेना, आपके पास मशीन हो तो आप उससे ही इसको लगा सकते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से इसको सिल दिया है, जो थोड़ा इस साइड दोनों मैंने छोड़ दिया है, इधर उधर फटा था तो उतना मैंने छोड़ दिया है। अब ये सिल दिया तो इसको हम गार्ड लगा के कट कर देते हैं। और जो ऊपर की साइड है एक तरफ, उसको हम इस तरीके से दोनों को मिलाकर के चुन्नट बना लेते हैं। तो मैंने ये चुन्नट बना ली है, अब इसको हमें कवर करना है। इस तरीके से हम बांध देंगे। आपके पास धागा है या कोई कपड़ा है या रबड़ बैंड है, उससे हम इस तरीके से इसे जोर से हम गांठ लगा देंगे। तो ये मैंने इसको गांठ लगा दी है, हमें बहुत तेजी से बांधना है कि ये छूटे नहीं। तो ये भी मेरा एक ऐसा कवर बन के तैयार हो गया है कि आप चौंक ही जाओगे। तो चलते हैं। तो मैंने ले ली है ये मिक्सी और ये इसको हम इस तरीके से ढक देंगे। ये मेरा मिक्सी की कवर बन के तैयार हुए, क्योंकि मिक्सी हमें रोज़ यूज करना पड़ता है, कौन दिन में 2 बार 3 बार। तो इस तरीके से हमें कवर सुविधा रखते हैं और आसान होते हैं। तो चलते हैं, दूसरा टिप्स है मेरा। ये एक मोटी सी टॉवल थी, तो ये तो अभी फटी नहीं और काफ़ी अभी इसमें दम भी है, मगर इसमें दाग लग गया तो ख़राब लगती थी। इसको भी मैंने पोटली में बांध के एक कोने में डाल ही दिया था। तो ये इसमें कुछ दाग दिख रहा है, इस तरीके से इसमें दाग लगे थे तो ख़राब लग रहा था, क्योंकि ये मेहंदी के दाग थे। तो इस तरीके से हमें दोनों तरफ ऐसे इसी तरीके से हमें सुई से सिल लेना है। और ये भी बहुत कमाल का एक आइडिया है, जब आप देखेंगे तो आप चौंक जाओगे और सोचोगे ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। तो इधर भी मैं इसको सिल लेती हूँ, दोनों तरफ मैंने इनको सिल दिया है। अब हम इसको कर लेते हैं सीधा। तो चलते हैं, आपके दिमाग में चल रहा होगा किसका कवर है। तो चलते हैं, ठंडी आ चुकी है, गर्मी निकल गई है, तो ये पंखे यूं ही खुले पड़े रहते हैं। तो इसका एक पंखे का कवर बन के तैयार हो गया है। और आपकी टॉल भी यूं पड़ी थी और पंखा भी यूं खड़ा था धूल में, तो धूल से भी बच गई और आपकी टॉल जो पड़ी थी वो भी काम आ गई। तो जो ये पूरा एकदम नीचे तक पूरा पहुंच गया है, तो एकदम मस्त इसका कवर बन के रेडी हो चुका है। और जो नीचे जो इसकी मैंने ऊपर भी सही हो गया, और जो नीचे था उधर मैंने एक धागे से इसमें गांठ लगा दी है। ये कहीं झोल भी नहीं है, कहीं कुछ जो ये ऐसा बचा था तो इसमें मैंने धागे से बांध दिया। तो तीसरा टिप्स मेरा है इस मोटी टॉवल का। ये बहुत मोटी टॉवल है, ये तो और यूजफुल होने वाला वीडियो है। तो चलते हैं, देखते हैं जो इसकी लेंथ थी, दोनों तरफ हमें ये दो दो अंगूर छोड़ देना है, इसके बाद हमें सिलाई मार लेना है। तो ये मैंने दोनों तरफ छोड़ दिया और इसको दोहरा करके हमें दोनों साइड सिल लेना है। ये हम इस तरीके से दोहरा कर लें और इसको हमें दोनों तरफ सिल लेना है। और अब हमें इसमें डाल देना है नाड़ा। तो ये मैंने एक डाल दिया है नाड़ा। अब ये जो मैंने इसका कवर बनाया है और इसे पीछे की तरफ हमें इसमें भी गांठ लगा देनी, इसमें हमें बहुत मजबूती से गांठ लगाना है। अगर गांठ हमने बिल्कुल स्लो लगाई, अगर ये छूट गई तो आपका भारी नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए इसको हमें बहुत तेज़ी से गांठ लगा देनी है। चलते हैं अब इस वीडियो की तरफ, जो आपकी आँख खुली की खुली रह जाएगी कि काश में पहले क्यों आइडिया नहीं आया। तो मैंने ले ली है ये ढोलक और इसको हम इस तरीके से कवर कर देंगे। तो इस तरीके से जो मैंने गांठ नीचे लगाई उसको आपको बहुत तेज़ी से मजबूती से गांठ लगानी है, और ऊपर का जो मैंने इस तरीके से नाड़ा बनाया है आपको इस तरीके से
नाड़ा बनाकर इसको कवर कर देनी है। और आप सबसे अच्छा इसमें कौन सा वीडियो लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और इस तरीके से हमें मजबूती से यहाँ भी एक गांठ लगा देनी है और इसको हम कहीं भी रख देंगे इस तरीके से, या खड़ी करके या इस तरीके से। अगर आपको टांगना है तो यहाँ से इस साइड से आपको डोरी निकाल लेनी है और आपको टांग देनी। इसको अब हम कहीं भी रख देंगे, धूल नहीं लगेगी और आपकी ये ढोलक एकदम सेफ रखेगी। तो यही मेरा वीडियो एंड होता है। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे, मिले।